बिस्मिल्लाह, आज जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज अबाउट प्रोसेस ग्रुप्स, नॉलेज एरियाज, और ट्राई करेंगे कि इनिशिएट प्रोजेक्ट इनिशिएशन जो भी है इसको जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि ये वाला जो फेज है आपका, ये वाली जो स्टेज है आपकी प्रोसेस ग्रुप्स में, ये वाला जो आपका प्रोसेस ग्रुप है ये इसमें क्या जो है ना होता है और क्या चीजें हैं और किन चीजों का ख्याल रखना है आपने। अब 6 P's ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 6 PPP, क्या PPP क्या कह रहे हैं? प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। हाँ, क्या बात है कि आपकी जो प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग है ना, हाय हाय, वो आपके प्रोजेक्ट की पुअर परफॉर्मेंस को जो है ना वो प्रिवेंट करती है। कि अगर आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई है तो आपकी जो है ना प्रोजेक्ट की अगर पुअर परफॉर्मेंस है ना वो उसको क्या करेगा, रोकेगा। प्लानिंग बहुत अच्छी हुई हो आपकी तो आपके जो है वही बात है कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो 90% ऑफ द टाइम जो है प्लानिंग कर रहा होता है, 90% ऑफ द टाइम जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो ये हो गए आपके 6 P जो कि उसके आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 6 P हैं जो आपके साथ साथ आपको याद होने चाहिए कि प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। अब उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज की बात उस दिन हम कर रहे थे जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर के, मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें आपके पास ये रेड है, प्रिंस 2 है, आपके पास ये कैन बैन है, ये DMAIC है, ठीक है। DMAIC स्टैंड्स फॉर डिफाइन, मेरा ख्याल है मैनेज, अभी मुझे आई फॉर इम्प्रूव, सी फॉर कंट्रोल, ए फॉर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये भी एक जो है ना आपका कह लें कि एक फ्रेमवर्क है, एक मेथोडोलॉजी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होती है। 6 Sigma है, ठीक है। इसी तरह आउटकम मैपिंग बेस्ड आपकी मेथोडोलॉजी है। तो बहुत सारी प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजीज हैं जो करंटली यूज हो रही हैं इंडस्ट्री में। अच्छा जी, प्रोसेस के ऊपर वापस आते हैं कि एक प्रोसेस क्या होता है। ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि प्रोसेस जो है वो एक इनपुट होता है, चीज प्रोसेस उस इनपुट को लेता है और एक आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। फंक्शंस भी हमने पढ़े थे प्रोग्रामिंग में, फंक्शंस का भी यही कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन इज अ प्रोसेस जो कि कोई इनपुट लेता है और समथिंग कोई आउटपुट जो है वो आपको जनरेट करके देता है। प्रोसेस इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्शंस एंड एक्टिविटीज टू क्रिएट अ प्री डिफाइंड प्रोडक्ट, रिजल्ट और सर्विस, ठीक है। प्रोसेस किस लिए यूज होता है? ताकि आप एक सर्विस प्रोड्यूस कर सके बाय टेकिंग सम इनपुट एंड बाय जनरेटिंग सम आउटपुट एंड यूजिंग सम टूल एंड टेक्निक, ठीक है। आप लोग प्रोसेस ग्रुप्स पढ़ के आए हैं तो आपने ये बात भी पढ़ी होगी कि हर प्रोसेस के अंदर जो है ना वो एक टूल और टेक्निक एग्जिस्ट करती है, एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। तो वो अभी जू जू आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह मजीद आपको क्लियर होता चला जाएगा। आगे मूव करते हैं। अब एक प्रोसेस ग्रुप को अगर हमने अंडरस्टैंड करना हो तो एक और तरीके से कि एक जूस मशीन है, ठीक है, उसमें कोई इनपुट जाती है, कोई आउटपुट निकलती है और कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो अंदर काम करती हैं जो आपके अल्टीमेट गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प करती है। अल्टीमेट गोल क्या है कि आपने इस मशीन को देखे तो गोल हमारे पास क्या है कि हमने उसे जूस जो है वो जनरेट करना है, एक मशीन में रॉ फ्रूट्स डाल के उसे जूस जो है वो क्रिएट करना है। हाँ जी, अब अगर एग्जांपल देखें, ये भी आप पढ़ के आए होंगे कि प्रोसेस ग्रुप्स में जो है आपके नॉलेज एरियाज जो इंटीग्रेटेड होते हैं और उन नॉलेज एरियाज के ऊपर आप प्रोसेस ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं। कुछ प्रोसेस ग्रुप्स में कुछ नॉलेज एरियाज जो हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और कुछ प्रोसेस ग्रुप्स में बहुत कम नॉलेज एरियाज इन्वॉल्व होते हैं जिनके ऊपर आप फोकस करते हैं। तो अगर हम स्कोप की बात करें, स्कोप मैनेजमेंट की, तो आप प्लानिंग के फेज के अंदर अगर स्कोप मैनेजमेंट की बात करें, प्लानिंग का प्रोसेस ग्रुप है, और आप स्कोप की जो है नॉलेज एरियाज की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैपिंग होती है एसोसिएशन एज अ मैपिंग, तो उसमें अगर पर्टिकुलरली हम प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में स्कोप मैनेजमेंट की बात करें तो आपको पता है फिर वही बात है कि इनपुट आउटपुट और कुछ टेक्निक है। तो इनपुट के तौर पे जो चीजें जा रही होती हैं उस प्लानिंग के वक्त स्कोप को अगर आपने मैनेज करना है तो आप क्या करते हैं उसके अंदर इनपुट, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स जा रहे होते हैं, चार्टर जा रहा होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे जो एज ए इनपुट जा रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के यूनिट्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये सारी इनपुट्स होती हैं उस दौरान उस सिचुएशन में कि प्लानिंग कर रहे हैं किस नॉलेज एरिया की, स्कोप की। तो उसमें जो टूल एंड टेक्निक कौन सी यूज होती है, एक्सपर्ट जजमेंट, मीटिंग्स, और इसमें जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होती है वो क्या होती है आपकी, आप मैनेजमेंट प्लान बना रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान बना रहे होते हैं, और मेरे ख्याल है इसमें WBS भी बन रहा होता है, ठीक है। नॉलेज एरिया प्रोसेस ग्रुप में मैप होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज एरिया प्रोसेस ग्रुप में मैप होते हैं। अभी ग्रिड भी देखेंगे हम,
एक कॉन्सेप्ट है आपका टेलरिंग का, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है टेलरिंग का. टेलरिंग का कॉन्सेप्ट टेलर से निकला, ठीक है. एंड टेलर का क्या मतलब है, अडेप्शन, समथिंग आप रिफाइन कर रहे हो, आप अडेप्ट कर रहे हो, या आप कस्टमाइज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक है. तो अगर आप ये बात करें कि आपने कौन से इनपुट, कौन सी टेक्निक, कौन से टूल को जो है ना आपने सिलेक्ट करना है फॉर पर्टिकुलर लाइफ साइकिल फेज, कि अब फॉर एग्जांपल आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपने कौन से टूल को यूज करना है, आपने कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ये सब टेलरिंग के उसमें, ये सिलेक्शन जो भी है ना सारी, वो टेलरिंग के, चूज करना, चेंज करना, अपडेट करना, एक्सेप्ट करना, ये सब टेलरिंग के उसमें आता है. टेलरिंग वन मोर थिंग टेलरिंग से रिलेटेड, कि अब फॉर एग्जांपल आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेथड्स है ना, बेशुमार यहाँ पे मेथड्स हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उन मेथड्स को ना अपने प्रोसेसेस के हिसाब से टेलर करके भी यूज कर सकती है, ठीक है. कि आपके पास एक बड़ी सी कोई, मतलब कह लो अगर आपको, आपके लेवल पे मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूँ कि PMI जो है ना वो मुख्तलिफ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है आपको मुख्तलिफ मैनेजमेंट प्लान्स के. तो अब आपकी मर्जी है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उनमें कौन से सेक्शंस हैं जिनको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आप उनको फॉलो करेंगे और कौन से ऐसे हैं जिनको आप फॉलो नहीं करेंगे. तो ये जो है ना काफी फ्लेक्सिबल सा मामला होता है ये, और ये फ्लेक्सिबल सा मामला है, ये आपको टेलरिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना आपको इस पे एंटरटेन करता है. ओके हाँ जी, अब प्रोसेस ग्रुप क्या है, अगर उसको देख लिया जाए कि प्रोसेस ग्रुप इज अ बंच ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन द स्टेज इन अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. कि आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के बनाने के दौरान जो हर एक प्रोसेस ग्रुप है वो फर्दर कुछ प्रोसेसेस को बंच बना के एक ग्रुप बना दिया गया. तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि पीएम बॉब का मेरा ख्याल है रीसेंट वर्जन के मुताबिक 49 प्रोसेसेस हैं टोटल, 49, कि उन 49 प्रोसेसेस को उन्होंने मल्टीपल, ये जो आपके हैं प्रोसेस ग्रुप्स, इसीलिए उन प्रोसेसेस को ग्रुपिंग की है ना, कि इनिशिएट के प्रोसेस ग्रुप में कुछ आ रहे हैं, आपके प्लानिंग के प्रोसेस ग्रुप में कुछ आ रहे हैं, आपके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में कुछ आ रहे हैं, आपके इवैल्यूएशन में कुछ आ रहे हैं, आपके क्लोजिंग में कुछ आ रहे हैं. तो इन्होंने डिवाइड करके क्लस्टर कर दिया, जैसे अभी आप वो ग्रिड की बात कर रहे हैं या अभी आप ये जो मैपिंग की बात कर रहे हैं. तो जो प्रोसेस ग्रुप है, हर प्रोसेस ग्रुप में डिफाइंड है, बिल्कुल बिल्कुल हर प्रोसेस ग्रुप में डिफाइंड है. किसी में सबसे ज्यादा जो मेरा ख्याल है आपके प्रोसेसेस हैं वो आपके उसमें आ रहे हैं, प्लानिंग में आ रहे हैं सबसे ज्यादा. 24 प्रोसेसेस हैं जो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 प्रोसेसेस हैं जो आपके प्लानिंग के प्रोसेस ग्रुप में आ रहे हैं. और उसके बाद जो आ रहे हैं जो उससे कम है, मेरा ख्याल है 12 हैं वो शायद आ रहे हैं मॉनिटरिंग में. और उसके बाद मेरा ख्याल है 10 कोई प्रोसेसेस हैं जो आपके उसमें आ रहे हैं, आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा, इसमें ये जो आपका एग्जीक्यूशन है. और उसके बाद जो मेरा ख्याल है सबसे कम है वो इनिशिएट में और क्लोजिंग में आ रहे हैं, ठीक है. क्योंकि वो आपको याद होगा वो जो हमने एक प्रोसेस ग्रुप की डायग्राम भी हमने देखी थी जिसमें इनिशिएट और क्लोज, तो इनिशिएट और क्लोजिंग का जो काम है वो वंस एक्टिविटी है, इनिशिएट और क्लोज, बट जो बीच में है वो साइक्लिक है. तो जो चीज साइक्लिक है वहाँ पे जो है वो आपने जो है वो चीजों में वो प्रोसेसेस फिर वहाँ पे ग्रुप्स में ज्यादा चीजें जो है ना आप एड्रेस करते हैं. ये जो प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल, इसको मैंने आपको कुकिंग से मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी. यहाँ पे एक चाय बन रही है, दार्जिलिंग टी, ठीक है. इनिशिएट के वक्त जो स्टेज है उसमें आपने क्या, आपने एक आइडिया जनरेट किया कि आई डिसाइड ऑन अ दार्जिलिंग टी. दार्जिलिंग टी एक टी की फॉर्म है, एक टाइप है, और ये बड़ी फेमस टी है और इट्स अ नाइस फ्लेवर, गोज विद डिलीशियस चॉकलेट कुकीज, ठीक है. ये आपने आइडिया एक फ्लोट किया, ये आपने इनिशिएट किया. तो अब प्लानिंग में आपने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया था, प्लानिंग के वक्त हम लोग जो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, हम वो रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, ये सारी आपकी प्लानिंग में आ जाएंगी. हाँ जी, वी नीड अ टी पाउडर, मिल्क, वाटर, शुगर, हमें एक वेसल चाहिए, हमें एक स्ट्रेनर छलनी चाहिए, एक बर्तन चाहिए, और हाँ हमें एक चूल्हा भी तो चाहिए. तो हम पाकिस्तान में रहते हैं और सर्दियां आ रही हैं तो हमें गैस भी चाहिए, ठीक है. ओके, उसके बाद आगे चलते हैं एग्जीक्यूशन में. उसमें आपने क्या किया जी, अब आपने जो चीजें इकट्ठी की हैं उनको आपने काम पे लगाना, ठीक है. आपने जो आपका वेसल है उसके अंदर आपने पानी डाला, फिर आपने एक टाइम के बाद उसमें दूध डाला, फिर उसको बॉयल आने दिया, फिर आपने पाउडर डाला, फिर आपने सिमर किया उसको फॉर अ मिनट, वो जो आप उबाले देते फिरते हैं बीच में, फिर आपने टी को जो है वो छाना और आपने कप में डाल दिया, और उसके बाद आपने चीनी डाली और आपने उसको हिलाया, हल्का सा हिलाया. उसके बाद जी क्या हो रहा है, अब आए आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में और आप देखें
एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और प्लानिंग और इनिशिएटिंग, इन सब के दरमियान एक डॉटेड एरो चल रहा है, ठीक है, कि ये इसका आपको बता रहा है फ्लो. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, अपने मैंने लास्ट टाइम आपको बिरयानी के टाइम हो, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में क्या है कि अब आप जो चाय बना रहे हैं आपने साथ साथ उसको चेक करते रहना है. लोग कलर देख रहे होते हैं कि हाँ जी कावे का इतना कलर हो जाए, अब इस स्टेज पे आपने दूध ऐड करना है, इस स्टेज पे बाज लोग बड़े ग्रेजुअली दूध ऐड करते हैं. वो मेरी वो फ्रेंड है, वो जो है ना वो किस्तों में दूध ऐड करती है कि जी हाँ मतलब अभी अभी ये जो है ना इतना कलर आ गया, अभी पहले एक कप डालो, अच्छा जी फिर ये वाला जो कलर आ जाए, अब उसके बाद फिर एंड में एक थोड़ा सा ऊपर से डालती है. हर बंदे का एक अपना तरीके कार है एक चीज को जो है ना वो क्रिएट करने में. एंड फिर उसके बाद जी क्या हुआ, क्लोजर के वक्त एक टी, एक नाइस सी टी का कप बन गया और अब आप जो है ना उसको आप डिश आउट करेंगे. तो दैट्स द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टी, दार्जिलिंग टी, एंड एक हॉट कप ऑफ कॉफी जो है, कॉफी जो है वो आपका बन गया. यही मैं आपको बता रही थी कि यही आपका प्रोसेस ग्रुप की है, जो डायग्राम उस दिन भी हमने देखी थी कि आप जो है क्या कर रहे हैं, किया इनिशिएट के बाद आपने प्लान किया, प्लान के बाद आपने कंट्रोल, एग्जीक्यूट एंड क्लोज. वंस इट इज गेटिंग क्लोज एंड व्हाट इज वंस इट इज गेटिंग इनिशिएटेड, बट उसके बाद जो मैक्सिमम ज्यादा काम जो कह लें कि प्रोसेसेस जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व हुई है, आपने देखा भी है प्रोसेस ग्रुप्स में भी, वो स्टोरी आती है प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग की. 24 आते हैं प्लानिंग में, वही बात है कि मेरा हाल है 12 आते हैं कंट्रोलिंग में और 10 आते हैं आपके, यानी कि 49 में सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन है वो इन तीनों ने जो है ना वो घेरा हुआ है आपके प्रोसेसेस का और नॉलेज एरियाज का. ठीक है, आगे चलते हैं, मूव फॉरवर्ड. हाँ जी, ये लें उसकी समरी भी आ गई है, आपको जो है ना वो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि अभी आप देखें इसमें कि हो क्या रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोसेस ग्रुप में क्या है कि प्रोसेस ग्रुप्स आर नॉट प्रोजेक्ट फेजेस और स्टेजेस. सबसे पहली बात ये कि प्रोजेक्ट के फेजेस या स्टेजेस नहीं है प्रोसेस ग्रुप्स. ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना, ये वो नहीं है, ये फेजेस नहीं है या स्टेजेस नहीं है, ये ग्रुप्स है. उसके अंदर जो है ना वो काम परफॉर्म हो रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एरियाज एंड प्रोसेस मैपिंग. प्रोसेस ग्रुप में रिपीट एंड ईच ऑफ द प्रोजेक्ट फेज. ठीक है, प्रोसेस ग्रुप में हर फेज के अंदर प्रोसेस ग्रुप रिपीट हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको क्या बात बताई थी कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की स्टेज अगर आप रिक्वायरमेंट्स की उठाएं तो उसके अंदर भी आप जो है ना वो एक एक फेज के अंदर जो है ना आप प्रोसेस ग्रुप्स जो है ना वो रिपीट कर सकते हैं. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिक्वायरमेंट्स के लिए आप रिक्वायरमेंट्स इनिशिएट करें, रिक्वायरमेंट्स को प्लान करें, रिक्वायरमेंट्स को आप जो है ना वो कंट्रोल करें, एग्जीक्यूट करें और क्लोज करें, तो ये सब जो है ना वो इसके अंदर आते हैं. इन प्रोसेस ग्रुप इज व्हाट यू नीड टू डू, हाउ यू नीड टू डू, व्हाट इज नॉलेज एरियाज. ठीक है, आल्सो कॉल्ड डोमेन्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसको डोमेन भी कहते हैं आप प्रोसेस ग्रुप्स को. एंड देन देर आर टोटल 49 प्रोसेसेस मैप्ड टू 5 प्रोसेस ग्रुप्स. ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, नॉलेज एरियाज ऑफ व्हाट टू डू एंड प्रोसेस ग्रुप्स आर हाउ टू डू. ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं. यही बात हो रही है कि इनिशिएट में जो है वो 2 प्रोसेसेस हैं आपके पास, प्लानिंग में आपके पास 24 हैं, एग्जीक्यूटिव में 10 हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में 12 हैं और क्लोजिंग में आपके पास जो है ना मेरा ख्याल है एक ही है जिसमें आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करने होते हैं. और यहाँ पे आए, ये अब आपको जो है ना उसी की समरी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एरियाज बताई हुई है कि आपका जो नॉलेज एरिया इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का नॉलेज एरिया, उसमें 7 प्रोसेसेस आ रहे हैं. इसी तरह स्कोप मैनेजमेंट में 6 प्रोसेसेस आ रहे हैं. ये काउंट याद रख लें तो अच्छी बात है, आपको जरा मतलब थोड़ा सा याद रहेगा. जैसे अभी वो बोले तो मेरी टिप्स में है, स्केड्यूल मैनेजमेंट में 6 आते हैं, तो इसी तरह आपके कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में 3 आते हैं, प्रोक्योरमेंट में भी 3 आते हैं. तो अब आगे चलते हैं, इसका देखें ये वाला मैप, ये जरूर आपकी नजर से गुजरा होगा जिसकी अभी आप बात कर रही हैं, ये मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जो आप उसका बात कर रहे हैं, ग्रिड की बात कर रहे हैं. तो अब आप ये देखें, ये मैपिंग हुई हुई है नॉलेज एरिया और प्रोसेस ग्रुप की. तो हाँ जी, इसको समराइज कर लेते हैं कि जो है ये क्या इनका रिलेशनशिप है कि प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर आप नॉलेज एरियाज को जो है वो आप कंसिडर करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ योर वर्क, टू कम्प्लीट योर वर्क. पहली ग्रिड डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो आपने सारी मुझे बता ही दी है. तो अभी आप बात करें, देखें ये जो प्लानिंग की हम बात कर रहे थे कि 49 प्रोसेसेस हैं, तो 49 में से सिर्फ खाली 24 जो है ना वो खाली प्रोसेसेस जो है वो किसके अंदर है, आपके प्लानिंग के अंदर. और ये मुख्तलिफ जो है ना मैप्ड हैं किसके ऊपर, मुख्तलिफ नॉलेज एरियाज के ऊपर ये सारे. कि यानी कि ये जो प्रोसेस है डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ये एक प्रोसेस है जो किस में होता है, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में. स्कोप मैनेजमेंट के वक्त जो आपके 4 प्रोसेसेस आते हैं वो क्या है कि प्लान, स्कोप मैनेजमेंट, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, डिफाइन स्कोप, क्रिएट WBS. ठीक है, रिसेंट उसके हिसाब से मेरे ख्याल 7 वर्जन का ग्रिड है जिसके अंदर 49 प्रोसेस ग्रुप्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, मेरे ख्याल 49 वर्जन 7 में है.
और जो है ये एडिशन 6 में भी हैं, उसमें मेरा ख्याल थोड़े कम थे, 47 थे शायद, या 5 पीएम बॉक के वर्जन 5 में जो है वो जो थे 47 थे, 49 मैम 6 में, ठीक है 6 में, 7 में भी मेरा ख्याल अभी तक 49 ही है. तो जो 5 था 47 एडिशन 5 में, हाँ तो ये क्या है, ये प्रोसेसेस ही हैं. इसी तरह ये देखें जो दो प्रोसेसेस हैं वो खाली किस में है, इनिशिएट में, क्या आपने चार्टर डेवलप किया, स्टेक होल्डर्स डिफाइन किए, और क्लोजिंग के वक्त क्या है, क्लोजिंग में एक ही आ रहा है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे प्रोजेक्ट के वो आपने सारे क्लोज कर दिए. तो आई होप आपको ये ग्रिड क्लियर है, ये जो ग्रिड बनी हुई है इसकी जो मैपिंग है एंड उसके जो अंदर प्रोसेसेस हैं वो आपको क्लियर है. अब ये देखें ये पीएम बॉक का वर्जन 5 में जो थी ना, ये मैं क्यों लेके आई हूँ, ये मुझे ना बड़ी अच्छी सी लगी थी, ये अपना ये डायग्राम थोड़ी सी ना ये पिक्टोरियल है, यानी कि इसमें आप देखें ये पिक्चर्स के थ्रू इन्होंने जो है ना, हालांकि ये 49 प्रोसेसेस नहीं है, ये मेरा ख्याल है 47 प्रोसेसेस है. तो इसमें ये आप देखें इनिशिएट, इस उधर जो था वो एक्स एक्सिस पे आपके पास जो थे वो प्रोसेसेस आ रहे थे, और वाई एक्सिस पे आपके पास जो है ना प्रोसेस सॉरी नॉलेज एरियाज थे. यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट है, इसमें ऊपर जो है वो नॉलेज एरियाज है, और साइड पे जो है ना एक्स वाई एक्सिस पे आपके जो है ना वो प्रोसेस ग्रुप्स हैं. तो आप देखें यहाँ पे क्या इनिशिएटिंग में इंटीग्रेशन में क्या किया है, वह डेवलप करें प्रोजेक्ट चार्टर, और वही बात है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, इनिशिएटिंग में वही दो आ रहे हैं, ठीक है. प्लानिंग में उसी तरह मेरा ख्याल है ज्यादा आ रहे हैं कि ये देखें डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ये देखें कितना अच्छा सा डॉक्यूमेंट बना हुआ है साथ. फिर उसके बाद प्लान स्कोप मैनेजमेंट, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स देखें कॉल आउट बना हुआ है, क्रिएट WBS एक छोटा सा WBS बनाया हुआ है, प्यारा लग रहा है. डिफाइन स्कोप एक उन्होंने जो है ना वो दूरबीन सी बनाई हुई है साथ. फिर उसके बाद आप अगर टाइम में जा रहे हैं प्लानिंग, आपने टाइम की प्लानिंग करनी है तो उस वक्त आप क्या बनाते हैं, आप स्केड्यूल बनाते हैं, मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं उसका टाइम मैनेजमेंट का, एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग करते हैं, रिसोर्सेज को एस्टिमेट करते हैं, ड्यूरेशन को एस्टिमेट करते हैं, और फिर स्केड्यूल बनाते हैं. ये सारे काम हमने करने हैं, और ये जो आपका प्रोजेक्ट होगा ना ये मैक्सिमम आपका ये प्लानिंग के ऊपर जो है ना, ये जो आप मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे ना ये दूसरे वाले रो के ऊपर मैप्ड होगा, कि आप अपने हर एक स्टेज का HR का क्वालिटी का प्लान बना रहे होंगे. और फिर वही बात है कि प्रॉब्लम ये है कि अभी ऐसे कोई रियल प्रोजेक्ट तो है नहीं, आप मतलब सपोजिशन बेस्ड बहुत सारी चीजें होंगी. जिन रियल प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर रही हूँ मैं आपको आपके साथ वो शेयर करूंगी, आप लोगों को मैं वो दिखाऊंगी. जैसे हम लोग बिजनेस केसेस बनाते हैं, हम लोग चार्टर बनाते हैं, हम ये सारी चीजें बनाते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी. उसके चैलेंजेस आप लोगों से शेयर करूंगी. तो मुख्तलिफ तरीके हैं, हम रिफा में हम कह लें कि डिफरेंट तरीके से हम काम करते हैं. यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका एक अपना जो है ना वो टेम्पलेट है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना बना हुआ है. मतलब जो ग्रांट्स वगैरह पे हम काम करते हैं उनके टेम्पलेट्स अपने हैं, उनके अपने केसेस हैं, वो सारा मैं आपसे शेयर करूंगी. बजटिंग जैसे करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बजट शीट्स आपके साथ शेयर करूंगी. तो ये इंशाल्लाह रियल चीजें भी आपके साथ मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि जो छोटे मोटे कोई प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है तो उनकी बजटिंग कैसे करते हैं, उनकी एस्टिमेशन कैसे करते हैं. इंशाल्लाह आपको जरूर जो है ना फायदा होगा इन फ्यूचर. ओके, तो ये एक और एंगल से इतना थोड़ा इंटरेक्टिव सा था, तो ये मैंने कहा चलो ये भी आपके लिए जाना ले जाऊं. तो इसमें 47 प्रोसेसेस हैं, पीएम बॉक के वर्जन 6 में 49 है, और रिसेंट में भी 49 ही है, और जो आपका 5 है उसमें जो है आपके 47 प्रोसेस ग्रुप्स हैं. तो ये एक और माइंड मैप एक और तरीके से समराइज करके आपको बताया हुआ कि यहाँ पे जो है ये आपके 10 नॉलेज एरियाज आ गए, और 7 जो है ना वो आपको बताया जा रहा है कि कौन से नॉलेज एरिया में काम क्या होता है. ठीक है, ये आपको ये भी पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कौन से नॉलेज एरिया में क्या चीज हो रही होती है, मगर आपको पता है कि ये हर एक के ऊपर हमारा एक जो है ना वो टोटल एक एक लेक्चर है, एक एक नॉलेज एरिया के ऊपर हमारा एक एक लेक्चर है. तो इंशाल्लाह हम आगे जो जो मूव करते जाएंगे आपको मजीद जो है ना चीजें क्लियर होंगी. अब ये 47 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ये एक और माइंड मैप है, मगर ये किसका, ये 47 है तो कौन सा वर्जन है, ये वर्जन 5 है. ठीक है, तो ये मुझे जरा माइंड मैप अच्छा लग रहा था इसलिए मैं ले आई हूँ, क्योंकि इसके अंदर चीजें एक और तरीके से बड़े अच्छे तरीके से आपको जो मैपिंग उधर जो ग्रिड फॉर्म में थी यहाँ पे जो है ना वो एक और विजुलाइज करके आपको एक और तरीके से आपको दिखाई है. जैसे वो मैचेस में होता है ना अक्सर कि मैच जब हो रहा होता है तो स्टेटिस्टिक्स आपको मुख्तलिफ एंगल से दिखा रहे होते हैं, बॉल की पोजिशन कभी किसी तरीके से दिखा रहे होते हैं, कभी किसी तरीके से दिखा रहे होते हैं, तो ये भी वही चीज है.